हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, महाकाव्य, दर्शन, बुद्धिस्ट लिटरेचर, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, राज तरंगिनी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स, फेमस एंशिएंट मॉन्यूमेंट और इंडिका के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, ये हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर है। अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, पूरे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या इनरोल करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे 7737653468 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को पूरी डिटेल्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये ऑनलाइन बैच RIMC, RMS, साथ ही साथ AISEE यानी कि सैनिक स्कूल एटसेट्रा एग्जाम, जवाहर नवोदय एग्जाम, ठीक है, JNV एटसेट्रा के लिए अवेलेबल हैं। उनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरैक्टिव लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि जब भी हम किसी एंशिएंट हिस्ट्री या किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो उसे एक अच्छे क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ने के लिए, उसे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में, कुछ सीरियल ऑर्डर में उन लोगों को क्या कर लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग कैसे जानेंगे कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, तो जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इन सोर्सेस को वेरियस टाइप में डिवाइड किया, ठीक है। अब वेरियस टाइप में किया तो जैसे हम लोगों ने जो तीन मेजर डिवाइड किए हैं टाइप्स, उनमें से एक आता है लिटरेरी सोर्स। अब यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी बुक्स अवेलेबल हुई, ठीक है, या फिर उस टाइम पीरियड का कोई भी स्क्रिप्ट हुआ, वो सारी चीजें हम लोग लेंगे। जस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज वेद के बारे में, ठीक है, उपनिषद एटसेट्रा के बारे में, तो वो सारे क्या थे, लिटरेरी सोर्स थे, जिनके थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें हुई थी, कैसी चीजें होती थी, वो सारी चीजें। सेकेंड होगा यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। वो क्या करता है, जब कभी भी किसी चीज की खुदाई की जाती है, उसको आप एक्सपेंड करते हो, तो आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा कि एक रॉक है, उसपे इस टाइप के इमेजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं ये जानने की या समझने की कि इनमें किन चीजों को बताया गया है, उस टाइम के लोगों ने इस टाइप के ड्राइंग क्यों बनाई थी, उनका क्या मोटिव था, वो लोग इसके थ्रू क्या क्या बताना चाहते हैं। जैसे लाइक आप लोग देखोगे पिलर एडिक्ट है अशोका के, ठीक है, तो अशोक ने क्या किया, बहुत सारे पिलर के ऊपर अपने अपने अभिलेख लिखवाए, तो उनके थ्रू वो जो भी चीजें उस टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, उस चीजों को पढ़कर समझकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक सोर्स होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। थर्ड सोर्स के रूप में अगर हम लोग बात करें, तो जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स हुआ करते थे, फॉर एन एग्जाम्पल आपने सुना होगा मेगस्थनीज के बारे में, ठीक है, आपने सुना होगा फाहियान के बारे में, तो इस टाइप के जो फॉरेन ट्रेवलर्स हुआ करते थे, वो लोग इंडिया आते थे, इंडिया के अंदर देखते थे सारी चीजों को, और उसके बाद वो अपनी बुक के अंदर इन चीजों को मेंशन करते थे। फिर बाद में हम लोगों ने उन बुक्स को लिया, उसका ट्रांसलेशन किया और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि उस टाइम पीरियड में लोग किस तरह से रहते थे, उन लोगों का वर्क कैसे हुआ करता था, ये सारी चीजें हम लोग उसके थ्रू जान पा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस की, तो देखिए लिटरेरी सोर्सेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स आप लोगों के सामने आता है, वो आता है वेद का, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आप लोग वेदास कहते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो दीज आर वेद, ठीक है। अब वेद के बारे में क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसके वर्ड को आप लोग पकड़िएगा, ठीक है। अब वर्ड क्या है, वेद जो है संस्कृत का एक वर्ड है, दैट इज विद, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत का एक रूट वर्ड है जिसको बोला जाता है विद। अब ये जो विद है उसका मतलब क्या होता है, तो जब आप लोग देखोगे कि संस्कृत का वो जो वर्ड है विद, इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए, तो यहाँ पे पता क्या चलता है, विद मतलब ज्ञान, दैट मीन्स नॉलेज, ठीक है। और इसी के साथ साथ
विद के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉलेज का हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो वेद वर्ड है उसका मतलब होता है टू सिग्निफाई नॉलेज, ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ज्ञान को एक्वायर करना है, ज्ञान के भंडार को देखना है। तो दैट मीन्स जो वेद हैं वो अपने आप में नॉलेज के, ज्ञान के भंडार है। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वेद के बारे में बात करें तो वेद को एक और वर्ड से डेजिग्नेट किया जाता है, दैट इज नोन एज श्रुति, टू हियर। अब पहले के टाइम पीरियड में आज के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे लिखने के लिए आपके पास पेन कॉपी अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है, उस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ भी सोर्स अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो वहां पे जो सेंट हुआ करते थे, जो दार्शनिक हुआ करते थे, जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, उपदेश देते थे, ठीक है, बताया करते थे कि ये चीजें ऐसे होती है। तो उस चीजों को लोग क्या करते थे, सुनते थे और आगे उसका ट्रांसमिट किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को सुनना जाता था और आगे ट्रांसफर किया जाता था, इसीलिए इसे श्रुति के नाम से भी कई बार पुकारा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सुन के इसको आगे की ओर ट्रांसफर किया जाता था। अब यहाँ पे जो वेद हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो आपके सामने यहाँ पे चार वेद लिखे हुए हैं। ये चारों वेद को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अब चारों वेद अगर हम लोग एक क्रॉनिकल ऑर्डर में बात करें तो ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। तो अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में बात करें तो ऋग्वेद पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, सबसे पुराना है। सेकंड, इसके बाद अगर हम बात करें तो यजुर्वेद आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है सामवेद और फोर्थ नंबर पे आता है आप लोगों के पास अथर्ववेद। तो ये एक वो क्रॉनिकल ऑर्डर है जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको बनाया गया था, इसको लिखा गया था, ठीक है। तो ये वन बाय वन इन लोगों को बनाया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो स्टार्टिंग के थ्री हैं, ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको बोला जाता है त्रयी, ठीक है, तीन का कॉम्बिनेशन, इसलिए इन फर्स्ट थ्री को क्या बोला जाता है, त्रयी। तो यहाँ पे अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, भैया जो वेद है वो किस रूट वर्ड से बना है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा विद से। सेकंड थिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू सिग्निफाई नॉलेज। थर्ड थिंग आपसे पूछा जा सकता है कि श्रुति का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेद कौन कौन से कब बनाए गए, त्रयी कौन कौन से वेदों को बताया जाता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट की आउट होंगे जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वन बाय वन इन वेद के बारे में। तो पहला वेद जो हम लोग यहाँ पे लेंगे आपके सामने, दैट इज ऋग्वेद। अब यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने इनके नाम देखे, तो सबसे पहले किसकी रचना हुई, तो दैट वाज ऋग्वेद, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाया गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब जनरली अगर आप सुनोगे तो आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है कि बाइबल इज द फर्स्ट टेस्टामेंट, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे कि बाइबल को कब कंस्टिट्यूट किया गया था और ऋग्वेद को कब कंस्टिट्यूट किया गया, तो अपने आप समझ जाएंगे कि ऋग्वेद को एक्चुअल में फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहना चाहिए। कैसे कहना चाहिए, क्योंकि इसे जब बनाया गया तो ये बनाया गया था 1700 BC के अंदर, ठीक है। अब BC, AC, AD इनका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपके ईयर का टाइमलाइन, ठीक है। अब बाद में क्या किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, ये एक वो टाइम ले लिया गया जहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड चलेगा, ठीक है, और इनके डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड चलेगा, ठीक है, ये तो जीसस ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हैं कि सपोज करते हैं इस ईयर में जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ, तो इसके बाद जितना भी ईयर होगा वो क्या होगा, आफ्टर दैट, जिसको एनो डेमिनो या AD के नाम से भी जानते हैं, और इनके पहले जो होता है उनको हम लोग BC के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के पहले 1700 जो BC है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऋग्वेद को फॉर्म किया था। जबकि आप लोग बताएंगे कि अदर जितने भी बुक्स हुए वो तो AD के बाद हुए ना, तो दैट मीन्स ये कितना पुराना है, इसीलिए ऋग्वेद को फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड के रूप में
बताया जाएगा। सेकंड थिंग, इसे कब बनाया गया, तो लगभग लगभग ये कहा जाता है कि 1700 BC के पहले इसको बनाया गया था। यहाँ पे इसको बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। जैसे आप लोग देखते हो कोई पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, बुक को हम लोगों ने पार्ट्स में बांट दिया, चैप्टर्स में बांट दिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ऐसे ही ऋग्वेद को 10 मंडल्स में बाइफरकेट किया गया है, यानी कि ऋग्वेद को 10 मंडलों के अंदर बांटा गया है। अब इन मंडलों में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक विशेष टाइप आ जाता है आप लोगों के सामने, जिसको बोला जाता है, अब जैसे चैप्टर देखा आपने, उस चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं, तो ऐसे ही उस पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जो 10 मंडल्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसको जाना जाता है पुरुष सूक्त के नाम से। अब ये जो पुरुष सूक्त है ये क्या करता है, ये 4 वर्ण को क्लासिफाई करता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और समझने की जरूरत है, एक तो सिस्टम होता है वर्ण सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है हम लोगों के सामने कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब पहले के टाइम पीरियड में क्या हुआ करता था, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वहां पे इन्होंने क्या कहा कि भैया जो ब्रह्मा जी हैं उनके बॉडी पार्ट से 4 वर्ण निकल कर आए हैं। इन्होंने ये कहा कि वो 4 जो वर्ण हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्थ नहीं होता था, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हुआ करता था। तो जो वर्ण सिस्टम था वो क्या था, उनके वर्क पे डिपेंड होता था। दैट मीन्स कि अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों के वर्क डिफाइन कर दिए। अब ये जो वर्क डिफाइन किए गए हैं वो कौन कौन से वर्क डिफाइन किए गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण के बारे में। तो ब्राह्मणों के बारे में ये कहा गया था कि ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे बोला जाता था ब्राह्मण। तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और यज्ञ करते हैं, दान देते और लेते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया ब्राह्मण। तो जो भी पर्सन ये काम करता था उसको ब्राह्मण बोला जाता था। सेकंड आता था क्षत्रिय, जो लोग क्या करते थे, अपने देश की टेरिटरी की रक्षा करते थे, उनको यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया था क्षत्रिय के रूप में। फिर होता था जो मार्केट हुआ, ट्रेडिंग सिस्टम हुआ और जितने भी काम होते थे एग्रीकल्चर एक्सेट्रा से रिलेटेड, उनको यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेट किया एज अ वैश्य। और बचे हुए जो रेस्ट काम हो गए उनको यहाँ पे दे दिया गया शूद्रास को। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, सपोज करो एक पर्सन है ए, ये जो था उस टाइम पीरियड में ब्राह्मण था, इसका जो सन है बी, वो अगर क्या कर रहा है, राजा के साथ वहां पे लड़ने जा रहा है, युद्ध वगैरह में जा रहा है, तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। तो दैट मीन्स जो वर्ण सिस्टम था ये बाय बर्थ नहीं हुआ करता था, ठीक है। बाद में हम लोगों के सामने कास्ट सिस्टम निकल कर आया है, जिसको हम लोग बात करेंगे आगे के जो मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, जब मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, बाई बर्थ अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो इन चीजों को करता हो चाहे ना करता हो, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में जो ऋग्वेद थे उसके पुरुष सूक्त में ये कहा गया था कि जो वर्ण सिस्टम है वो हमारे सोसाइटी के पर्सन्स को 4 पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड करता था। ये क्लास थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वेद के बात करें तो जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पे 10 मंडल्स थे, ठीक है। इनमें पैराग्राफ की बात करें तो 1028 सूक्त या पैराग्राफ अवेलेबल थे, और उनमें अगर हाइम्स की बात करें तो वहां पे 10,580 समथिंग जो है वहां पे मंत्र अवेलेबल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इसके पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन था। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 40 रिवर्स का उल्लेख मिलता है आज के टाइम के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 40 रिवर्स के बारे में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 40 रिवर्स कौन कौन से थे, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी, तो जो सरस्वती रिवर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में यहाँ पे जानी गई, और इसको मदर ऑफ रिवर्स के नाम से भी डेजिग्नेट किया गया है। तो सरस्वती रिवर को यहाँ पे मदर ऑफ ऑल रिवर्स के रूप में डेजिग्नेट किया गया। तो ये आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों के सामने है अवेलेबल यजुर्वेद। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बात की थी वेद के वर्ड मीनिंग को बाइफरकेट किया था, वैसे ही अगर आप लोग यजुर्वेद के वर्ड को बाइफरकेट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आएगा। यहाँ पे यजुर्वेद एक वर्ड से बना है, दैट मीन्स यजु, और यजु का मतलब होता है यहाँ पे यज्ञ या हवन,
ठीक है, तो जो लोग यज्ञ करते थे तो उस टाइम पीरियड में जितने भी रिचुअल्स हुआ करते थे, उन रिचुअल्स के लिए जितने भी मंत्र आप लोगों ने देखे, हवन वगैरह जब होते हैं आप लोगों के घर में, तो आप लोगों ने देखा कि कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो वो जो मंत्र एक्सेट्रा थे वो सारे के सारे निकल कर आते हैं यजुर्वेद से। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एज अ रिचुअल वेद के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स होंगे उनके मंत्र अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसको दो पर्टिकुलर पार्ट्स में या दो ब्रांचेस में बांटा गया है। पहला जो यहाँ पे है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा यहाँ पे है शुक्ल यजुर्वेद। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो यहाँ पे जो है ये दोनों में है, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है, और सबसे ज्यादा ये जो साउथ इंडिया है वहां पे इसका प्रचलन हो रहा है। ठीक है, यानी कि साउथ इंडिया में कृष्ण यजुर्वेद को ज्यादा यूज में लिया जाता है। यहाँ पे प्रोज एंड पोएट्री दोनों के अंदर मंत्र एक्सेट्रा लिखे हुए हैं, जबकि सेकेंडली आपके पास जो अवेलेबल है शुक्ल यजुर्वेद, यहाँ पे प्रोज के अंदर ही लिखा गया है, पोएट्री मेथड का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, जबकि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद वो भी प्रोज के अंदर ही लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर के रूप में हम लोग बात करें तो यजुर्वेद का जो लास्ट चैप्टर है उसे कहा गया है ईशोपनिषद। ठीक है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल चैप्टर्स के ऊपर चर्चा करता है, और बाकी जो होंगे वो लॉ एक्सेट्रा के ऊपर, जो यज्ञ किए जाते हैं उनके लॉ एक्सेट्रा के ऊपर बातें करते हैं। तो बेसिकली ईशोपनिषद अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका पार्ट है, तो यजुर्वेद आप लोगों को पता होना चाहिए। यजुर्वेद कैसे लिखा गया है, तो प्रोज एंड पोएट्री दोनों के अंदर लिखा गया है। यहाँ पे यजु वर्ड का मतलब होता है यज्ञ, तो यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो यज्ञ किए जाते हैं उनसे रिलेटेड रिचुअल्स यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सामवेद की, तो यहाँ पे देखिए सामवेद आप लोगों के सामने है। ये जो सामवेद है ये ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे ना उनको गाने योग्य बनाने के लिए इसका जो है यूज किया गया है। दैट मीन्स जो मंत्र थे वो एक मेलेडी के फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनको क्या किया जा सकता है, संग एट द टाइम ऑफ सोम सेक्रीफाइस, जब यज्ञ में आहुति एक्सेट्रा दी जाती है तो उस टाइम पीरियड पे इसको एज अ स्तुति के रूप में गाया जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो इनके जो मंत्र एक्सेट्रा अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली सूर्य या गॉड ऑफ सन के लिए बहुत सारे मंत्र अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने आता है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में अगर बात करें तो इसको अथर्व नाम के एक ऋषि ने बनाया था। ठीक है, इसलिए भी इसको यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि अथर्ववेद क्या है, किससे रिलेटेड है, अथर्व ऋषि से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्या किया गया है, जो पॉपुलर बिलीफ थे सुपरस्टिशन के, यानी कि अंधविश्वास के, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जादू टोना एक्सेट्रा किया जाता है, ठीक है, उन चीजों को, एविल स्पिरिट भूत एक्सेट्रा जो होते हैं उनसे रिलेटेड मंत्र यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कि जो जादू टोना एक्सेट्रा से रिलेटेड चीजें हैं उनसे रिलेटेड मंत्र यहाँ पे जो है वो अवेलेबल किए गए हैं। ठीक है, तो इसको जो है ब्रह्म वेद और अथर्व गिरीश वेद के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद के अंदर ही एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको बोला जाता है मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद यहाँ पे जो अवेलेबल है उसी मुंडकोपनिषद में से एक पर्टिकुलर वाक्य लिया गया है जिसको आप लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते, दैट मीन्स ट्रूथ ओनली ट्रायम, सत्य की हमेशा जीत होगी। ये मंत्र जो है अथर्व वेद के अंदर मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है कि मुंडक उपनिषद कौन से वेद का पार्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए अथर्व वेद, और यहाँ पे अथर्व वेद से ही सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ का जो स्लोगन है वो लिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे उपनिषद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे वर्ड को क्लासिफाई करते हैं, दो वर्ड आपको संस्कृत के मिलेंगे, एक है उप और दूसरा है निषद। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब आप लोग मीनिंग करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है
कि पास में बैठकर जो ज्ञान मिलता है, दैट मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो भी आपके गुरु हैं उनके पास जब आप बैठते हैं तो उनसे जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, सीक्रेट नॉलेज आप उनसे जो एक्वायर करते हैं, दैट इज नोन एज उपनिषद। तो यहाँ पे उपनिषद का मतलब क्या है, अपने गुरु के पास बैठकर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो नॉलेज एक्वायर किया, दैट इज नोन एज उपनिषद। और ऐसे हमारे पास टोटल 108 उपनिषद अवेलेबल हैं, ठीक है। अब 108 उपनिषद अवेलेबल हैं, दैट मींस आप लोग बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा रिच नॉलेज हमारे इंडियन कल्चर के अंदर अवेलेबल है, जो और किसी भी कल्चर के अंदर अवेलेबल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे इन 108 उपनिषद के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद जो हैं उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। ये हैं जेश, कट, कीन, मुंडक्य, ब्रह्मन आरग्य, मुंडका, चंदोग्य, तैत्रयी, ऐत्रयी और कौशितकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये हमारे उपनिषद के रूप में अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारा मुंडक उपनिषद, आप लोगों से बात की थी ऋग्वेद का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे जो आप लोगों से बात की थी हम लोगों ने कि ये अथर्व वेद का जो पार्ट है वहां पे मुंडक उपनिषद, ठीक है, उसी से रिलेटेड सत्यमेव जयते, ठीक है, जो क्या है हमारा नेशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते यानी कि ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ, आप लोगों को याद रखना है, मुंडक उपनिषद का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मुंडक उपनिषद किस पे बेस्ड है तो आप लोग अथर्व वेद के रूप में इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उपनिषद का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, दैट मीन्स पास में बैठ कर अवेलेबल लेना, ज्ञान लेना, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुराण के बारे में, ठीक है। पुराण जो वर्ड है आप लोगों के सामने उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा द ओल्ड, ठीक है, यानी कि पुराना। अब यहाँ पे जो पुराना नॉलेज आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो दैट टाइम के नॉलेज आप लोगों के पास अवेलेबल है, वैदिक काल से जो नॉलेज अवेलेबल है, दैट इज नोन एज पुराण। अब यहाँ पे अपने पास टोटल 18 पुराण अवेलेबल हैं। इनमें सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पुराण के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे इन पुराणों से क्या किया जा सकता है, बहुत सारी जो डायनेस्टीज हैं उनका जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को इन पुराण से अवेलेबल हो सकते हैं। जस्ट लाइक मौर्य डायनेस्टी हुआ, आंध्र हुआ, शिशुनांग हुआ, गुप्त हुआ, इन सभी की नॉलेज हम लोगों को जो है पुराणों से भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं पुराण, दैट मीन्स ओल्ड नॉलेज, और यहाँ पे इनमें सबसे ओल्ड क्या है, मत्स्य पुराण है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो पुराण है फेमस उनके नाम यहाँ पे आप लोगों के सामने अवेलेबल है, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, वैवर्त्य, लिंगवराह, स्कंद, वामन, कुर्मा, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मंड। तो इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पुराण हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण को आप लोग देखते हैं, इसमें ऐसी चीजों को बताया गया है कि जब आपकी डेथ होती है तो आपने जितने भी अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग आपको क्या फल मिलने वाला है, एक्सेट्रा चीजें यहाँ पे है। मत्स्य पुराण यहाँ पे इंपॉर्टेंटली है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट पुराण के रूप में है। बाकी जो ब्रह्म, पद्म, विष्णु एक्सेट्रा पुराण है ये अपने अपने देवताओं के ऊपर आप लोगों को नॉलेज अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। बात करेंगे अब हम लोग महाकाव्य के रूप में। अब महाकाव्य नाम में ही है महा, दैट मीन्स बहुत बड़े हैं, ये क्या है, काव्य, बुक्स हैं। तो यहाँ पे ये जो महाकाव्य या एपिक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो दो महाकाव्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दो महाकाव्य कौन से हैं, पहला महाकाव्य है रामायण और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कई बार इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था, जबकि महाभारत को वेद व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि रामायण वाल्मीकि ने और महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। इनमें से भी
अगर बात करें किसी एपिक की तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना एपिक के रूप में रामायण जाना जाता है, इसीलिए इसे आदि काव्य के रूप में भी डेजिग्नेट किया जाता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि 5th सेंचुरी BC के अंदर, यानी कि क्राइस्ट के भी 500 ईयर्स पहले इस रामायण को लिखा गया था। तो दैट मीन्स ये इतना पुराना नॉलेज आप लोगों के पास अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में नॉलेज अवेलेबल है, ह्यूमन काइंड को किस टाइप से बिहेव करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज आप लोगों को एक आदर्श व्यक्ति, एक आइडियल पर्सन के रूप में गॉड श्री राम आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को इस महाकाव्य रामायण के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ पे लिखा था। जबकि अगर बात करें एपिक में लॉन्गेस्ट एपिक की, तो महाभारत जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एपिक के रूप में आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। महाभारत वेद व्यास ऋषि ने लिखा था। यहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख श्लोक्स अवेलेबल हैं, 18 पर्व या चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इनमें से याद रखिएगा जो शांति पर्व है वो सबसे लंबा लार्जेस्ट पर्व है। और आप लोगों ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा, जहाँ पे श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को अपना जो नॉलेज है वो अवेलेबल करवाते हैं। और इसी को ईच एंड एवरी हिंदूज को या सभी को इसका पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भगवत गीता है वो महाभारत के जो भीष्म पर्व है, यहाँ पे हमने बात की कुछ चैप्टर्स हैं, 18 पर्व्स हैं। तो ये जो 18 चैप्टर हैं, उन 18 चैप्टर्स में से जो चैप्टर है भीष्म पर्व, वहां से निकाला गया है भगवत गीता को महाभारत के। ठीक है, तो यहाँ पे जो महाभारत है ये लगभग लगभग ये कहा जाता है 400 BC से 400 AD के बीच में इसको कहीं ना कहीं पे फॉर्म किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज, इसी को पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है, 5th वेदास के रूप में भी जाना जाता है। किसे? तो वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे महाकाव्य के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग दर्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने स्मृति के बारे में जाना, वेदांग के बारे में जाना, उपवेद के बारे में जाना। ठीक है, स्मृति क्या था, जस्ट लाइक जो ऋषि हुए उनके नॉलेज जो आपको याद आ गए उनको आपने लिख लिया, दैट इज स्मृति। वेदांग क्या हो गए, वेद के पर्टिकुलर पार्ट हो गए। उपवेद क्या हो गए, उनको वेद को ही और फर्दर डिटेल्स में क्लासिफाई करने के लिए जो लिखे गए, दैट वॉज नोन एज उपवेद। तो यहाँ पे ऐसे ही दर्शन भी आप लोगों के बारे में अवेलेबल है, जो कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको, नॉलेज को आप लोगों को अवेलेबल करवाता है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इंडियन फिजियोलॉजी या उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके पास 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी अवेलेबल है। फिजियोलॉजी गलती से कह गया था मैं, फिलोसफी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 फिलोसफी हमारे पास अवेलेबल है, और इन 6 फिलोसफी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं विथ देयर क्रिएटर। ठीक है, अब यहाँ पे सांख्य दर्शन आता है, सांख्य दर्शन किसने लिखा, कपिल मुनि ने लिखा। योग दर्शन आता है आपके सामने, पतंजलि ऋषि ने लिखा था। ठीक है, पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन लिखा है, जिसका यूज करते हुए आप लोग यहाँ पे योग करते हैं, तो बेसिकली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेम एज आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने न्याय दर्शन अवेलेबल है, जो कि लिखा गया था गौतम ऋषि के द्वारा। उसी के बाद अगर आप लोग देखेंगे फिलोसफी में तो वैशेषिक दर्शन है, जो कि आप लोगों को कनद ऋषि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने लिखा था वेदांत, और उत्तर मीमांसा जो है बाद्रायन नाम के ऋषि ने लिखा था। तो बेसिकली हमारे एंशंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्हीं सोर्सेज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दर्शन अवेलेबल हैं। और ये दर्शन कितने हैं, 6 हैं। तो ऐसे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आप लोगों के सामने अवेलेबल है। इन फिलॉसफी में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को इन 6 के नाम याद रखने हैं विद देयर क्रिएटर। तो यहाँ पे नाम अगर आप लोग याद करेंगे तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। इन सोर्सेज में हम लोग देखेंगे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड लिटरेचर आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने है, देखिए फर्स्ट वर्ड है त्रि और सेकंड वर्ड है पिटक। त्रि का मतलब होता है तीन, तो यहाँ पे कितने पिटक अवेलेबल है आपके पास, तीन अवेलेबल है। पिटक का मतलब क्या होता है, मीन्स बास्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों के हिसाब से जो नॉलेज था उसको अवेलेबल करवाया गया, उसे अवेलेबल करवाया गया एज अ थ्री बास्केट के रूप में। अब ये जो थ्री बास्केट है, थ्री पिटक है, वो कौन कौन से हैं, तो आपके सामने आएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिदम्ब पिटक। इनमें से इंपॉर्टेंटली याद रखिए, विनय पिटक जो है वो एक्सप्लेन करता है द कोड एंड कंडक्ट ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका संगठन किस टाइप से काम करेगा, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए वो सारे कहाँ मिलेंगे, आपको विनय पिटक के अंदर मिलेंगे। सेकंड है आप लोगों के सामने सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपने नॉलेज अवेलेबल करवाई, जो आप लोगों को उपदेश दिए, उसका एक समराइज फॉर्म, उसका एक जिस्ट आप लोगों को अवेलेबल किया गया है कहाँ पे, सुत्त पिटक के अंदर। जबकि थर्ड जो है आप लोगों के सामने अभिदम्ब पिटक, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिकली सेवन पार्ट्स हैं, जहाँ पे दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, समुक्त निकाय है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय है, खंडक निकाय है, ये सारे उसके चीफ डिविजन के रूप में जाने जाते हैं और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटक के बारे में, तो कौन कौन से बुक्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिदम्ब पिटक, ये तीन बुक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बुक है दीपवंश और दूसरा बुक है महावंश। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बुक है ये आप लोगों को बताते हैं श्रीलंका की क्रॉनिकल हिस्ट्री को। यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध के थ्रू अपने जो सन है और अपनी जो डॉटर है उनको श्रीलंका में भेजा गया था अपने जो बुद्धिज्म रिलेटेड जो नॉलेज है उनको स्प्रेड करने के लिए, तो उनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उन सारी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड एक बुक आप लोगों के सामने अवेलेबल है जिसका नाम है मिलिंद पनाह। अब मिलिंद पनाह क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम था मिलिंद, वो यहाँ पे आता है। बुद्धिस्ट एक दार्शनिक थे जिसका नाम था नागसेन, तो बुद्धिस्ट दार्शनिक जो नागसेन है उनके पास जब ये ग्रीक रूलर मिलिंद आता है, तो उसके जो रिलीजियस क्वेश्चन थे, उसने जो नॉलेज के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस और उनके जो आंसर यहाँ पे नागसेन नाम के जो बुद्धिस्ट सेंट थे उन्होंने दिए थे, उनका पूरा का पूरा नॉलेज या चीज यहाँ पे आप लोगों को मिलिंद पनोह नाम के जो बुक है वहां पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, जहाँ पे एक बुक का नाम मिलेगा आपको अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य या चाणक्य नाम के पर्सन ने लिखा था। ये मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आने वाला इम्पॉर्टेंट पर्सन है। जब हम लोग मौर्य हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कौटिल्य और चाणक्य की बात बिल्कुल करेंगे, वहाँ पे इनके बारे में फर्दर डिटेल्स देखेंगे। यहाँ आपको इतना याद रखना है कि कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का जो बुक है वो लिखा था, और इस बुक के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस है, कैसे एक राजा को व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपनी प्रजा से टैक्स लेना चाहिए, उनके लिए कौन कौन से अच्छे काम करने चाहिए, उन सारे नॉलेज को यहाँ पे अवेलेबल करवाया है कौटिल्य या चाणक्य ने। नेक्स्ट बुक है विशाखदत्त ने लिखी थी गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त पीरियड के अंदर, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने डिस्ट्रॉय किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, उसको यहाँ पे मुद्रा राक्षस नाम के बुक ने भी डिफाइन करने की कोशिश की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स में, तो आपके सामने आता है एक बुक जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। यहाँ पे अष्टाध्यायी जो बुक है उसको आप लोग देख सकते हैं, जो संस्कृत है उसके ग्रामर के रूप में, ठीक है। इसे लिखा था पाणिनि ने, ठीक है, तो पाणिनि ने लिखा, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर महाभाष्य भी लिखे गए। तो पाणिनि का जो ये बुक है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं मौर्यन पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसको भी एक्सप्लेन करता है, और जो ग्रामर है संस्कृत का
उसे भी यहाँ पे आप लोगों के सामने रखता है। सेकंड थिंग, कालिदास के दो इंपॉर्टेंट बुक देखने को मिलेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम जो है ये गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त पीरियड के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो यवन है और पुष्यमित्र शुंग के बीच में जो फाइट हुए थे उसका भी यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली देखने को मिलेगा। तो ये सारे हम लोग शुंग डायनेस्टी की जब बात करेंगे उस टाइम पे इस युद्ध के बारे में देखेंगे। ऐसे ही एक पर्सन थे स्वप्न वासुदेव दत्त। ठीक है, तो स्वप्न वासुदेव दत्त की जो बुक है भास, ठीक है, भास की बुक क्या है, स्वप्न वासुदेव दत्ता, ये जो है गुप्त पीरियड के बारे में आप लोगों को नॉलेज अवेलेबल करवाता है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जस्ट लाइक बुद्ध स्वामी का वृहद कथा, ठीक है, ऐसे ही शेम चंद्र का वृहद कथा मंजरी, सोमदेव ने बुक लिखी थी कथा सरित सागर। ठीक है, ये सारे एंशियंट इंडियन सोसाइटी और इंडिया के जो कल्चर है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज अवेलेबल करवाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे इस क्लास का मोटिव था कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी नॉलेज हम लोगों को कैसे मिलती है, जब मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा कि कौन सा रूलर था, क्या काम किया उसने, किस किस के सामने उन लोगों के बैटल्स हुए, तो उन चीजों का सोर्स क्या है, तो यही वो बुक्स हैं जो उन चीजों के बारे में, वहां के बारे में आप लोगों को नॉलेज अवेलेबल करवाते हैं। तो इनके बुक के नेम और इनके ऑथर के नेम आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर और इम्पोर्टेंटली याद कर सके तो कौन से डायनेस्टी के बारे में था वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे 7th सेंचुरी के, उन्होंने नागंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम की बुक लिखी थी, ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र, ठीक है, जो राजा हर्ष थे उनके ऊपर लिखा था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। कल्हन ने राज तरंगिनी लिखा था जो कि कश्मीर के रूलर्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया का अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएगा, राज तरंगिनी किसने लिखा था, कल्हन ने लिखा था, और इसमें क्या है, तो कश्मीर के रूलर्स की हिस्ट्री आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही संध्याकर नंदी ने रामचरित नाम का एक बुक लिखा था, ठीक है, जहां पे रामपाल जो कि पाल डायनेस्टी बंगाल के रूलर्स से उनके बारे में नॉलेज आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, यहाँ रामचरित्र से श्री रामचंद्र के ऊपर ना चले जाएं, ये पाल डायनेस्टी के जो रूलर थे रामपाल उनके बारे में नॉलेज अवेलेबल करवाता है। सेम एज अगर हम लोग बात करें एंशियंट टाइम को समझने के लिए, तो वहां के कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में मैंने आपको कहा था। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि आप लोगों को अवेलेबल हुए खुदाई के अंदर, तो जब आपने खुदाई की तो आपको कुछ इस टाइप के कॉइन्स अवेलेबल हुए, इन कॉइन्स के हिसाब से भी हम लोगों को उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे न्यूमिस्मैटिक्स एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, कॉइन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है। सेकेंड थिंग, उस टाइम पे जो कॉइन्स आप लोगों को देखने को मिले थे ये कॉइन पंच मार्का कॉइन के रूप में जाने जाते हैं। क्या करते थे वो लोग, सिल्वर को या कॉपर को लेते थे और उसके ऊपर किसी दूसरे चीज को ठोकते थे और इस टाइप के जो निशान है ये चीजें उसके ऊपर बना दी जाती थी, तो इनको बोला जाता था पंच मार्का कॉइन। ठीक है, तो वो उस टाइम के कॉइन के टाइप्स हुआ करते थे। ऐसे ही अगर बात करें जो कुषाण डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे उन्होंने गोल्ड के कॉइन को स्टार्ट किया था। ऐसे ही विम कैडफिशर्स जो थे उन्होंने जो कॉइन चलाए थे उनमें लॉर्ड शिवा, शिव भगवान की जो इंस्क्रिप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो वैदिक कॉइन्स एटसेट्रा है उनके बारे में नॉलेज मिलती है, तो निशक, सतमन, सवर्ण और पनिष्क नाम के जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं इनका नॉलेज आप लोगों को पाणिनि के अष्टाध्यायी, ब्राह्मण लिटरेचर और उपनिषद एटसेट्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वैदिक टाइम पीरियड के अंदर चलने वाली करेंसी थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वैदिक कॉइन या करेंसी कौन कौन सी, तो निशक, सतमन, सुवर्ण, पनिष्क एटसेट्रा अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ मॉन्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो उन मॉन्यूमेंट को जिसने भी बनाया होगा उसने अपना नाम लिखा होगा वहां पे, उनके बारे में चीजें लिखी होंगी। तो ऐसे ही
फेमस एंशियंट मॉन्यूमेंट आप लोगों के सामने अवेलेबल है, जस्ट लाइक सारनाथ का मॉन्यूमेंट वाराणसी में है, अजंता एलोरा औरंगाबाद में है, ठीक है, दशावतार मंदिर जो है ललितपुर के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही भरत गांव का जो ब्रिक टेम्पल है वो कानपुर में है, अंकुरवाद का मंदिर जो है कंबोडिया में है, बरहो बुदोर का मंदिर जो है जावा के अंदर है, बोगस कोई का जो मंदिर है वो तुर्की के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग बोलिएगा कि कंबोडिया, जावा और तुर्की ये इंडिया के पार्ट तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडियन नॉलेज, इंडियन किंग इस प्लेसेस में फैले हुए थे, तो वहां पे भी उन्होंने अपने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए, उन पे इंस्क्रिप्शंस लिखे और उन सभी नॉलेज को आज हमारे पास अवेलेबल किया है। पे चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स की जो इंडिया में विजिट किए और विजिट करने के बाद उन्होंने अपने तरफ से अवेलेबल करवाया है सोर्सेज। तो देखेंगे यहाँ पे मेगास्थनीज नाम के एक पर्सन थे जो कि सेल्यूकस निकेटर नाम के राजा के तरफ से भेजे गए थे इंडिया, और ये इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। इन्होंने उस टाइम पे इंडियन चीज़ों को देखा, जाना और समझा, और साथ ही साथ यहाँ पे उन चीज़ों को लिखा एक बुक में जिसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम क्या है, इंडिका है। यहाँ पे इस बुक का जो ट्रांसलेशन है वो मार्किंडल ने अवेलेबल करवाया था। ऐसे ही सुमाची नाम के एक पर्सन हुए जिनको चाइनीज हिस्ट्री के फादर के रूप में भी यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है, और वो भी इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लिख चुके हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अगर हम लोग बात करें तो पहला मेटल जो यूज किया गया था वो कॉपर था, आयरन जो डिस्कवर किया गया था वो हिताइटस था, सेम एज एक्सेलेंट मीजोलिथिक केव पेंटिंग के बात करें तो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंटली कई बार पूछे जाते हैं, डॉग को इंसान के साथ दफन करने का जो पर्टिकुलर एविडेंस है वो आपको बुर्ज होम से मिला था, ये भी इंपॉर्टेंटली पूछा गया है, लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट के रूप में कोथारी रिवर होगी, अर्लीएस्ट जो सेरल्स उगाए जाते थे वो वीट एंड रागी हुआ करते थे, ये भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता रहा है, प्रीमिटिव मैन ने सबसे पहले क्या सीखा था तो आग जलाना सीखा था इन्होंने, और साथ ही साथ जो नियोलिथिक मैन है उन्होंने सबसे पहले जिस जानवर को पाला था वो डॉग है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों को इजिली सभी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को टाइमली उसका रिप्लाई अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, अगर आप RMS, RIMC के जो एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ AISEE सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे इस नंबर 7737653468 पर, रिपीट कर रहा हूँ 7737653468 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन बैच से रिलेटेड सभी डिटेल्स अवेलेबल कर दी जाएगी, ठीक है। इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों के लिए शेयर की जाती है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।